दोस्तों नमस्कार, मैं देव साहनी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप YouTube शॉर्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपको आपके YouTube ऐप में YouTube शॉर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो भी आप जो YouTube शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करेंगे और जो अपने YouTube शॉर्ट के वीडियो को कैसे मोनेटाइज करेंगे। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए देवजी टेक्निकल चैनल को और सबसे नई वीडियो देखने के लिए घंटा पर क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, क्या आप भी शॉर्ट वीडियो बनाने के शौक रखते हैं या जो है आप पहले से टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे? दोस्तों की जैसा कि आपको पता ही है कि टिकटॉक पर हम जो है 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो अपलोड कर अपने कंटेंट को जो है वायरल करा सकते थे, लेकिन टिकटॉक जो है पूरी तरह से इंडिया में बैन किया जा चुका है। अब इसकी आने की भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों टिकटॉक के बैन होने के बाद इंडिया में बहुत सारे ऐसे उसके अल्टरनेटिव ऐप्स आए जो कि उतना फेमस तो हुए लेकिन कोई ब्रांड जो है ऐप्स अभी तक उभर कर नहीं आया है। इसी को देखते हुए दोस्तों सबसे पहले YouTube ने जो है इंडिया में अपना YouTube शॉर्ट फीचर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों YouTube शॉर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर आप YouTube शॉर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी आई बटन वाली वीडियो को देखकर जो है आप समझ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है YouTube शॉर्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपके ऐप्स में YouTube शॉर्ट का फीचर अभी नहीं मिला है तो आप जो है YouTube शॉर्ट का फीचर जो है YouTube ऐप की मदद से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप जो YouTube शॉर्ट की वीडियो को अपलोड करेंगे YouTube पर उसे मोनेटाइज कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आप भी जो है YouTube शॉर्ट का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में YouTube शॉर्ट का जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं YouTube ऐप में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube ऐप जो है प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों YouTube शॉर्ट का फीचर जो है अपडेटेड ऐप में YouTube दे रहा है लेकिन ये रैंडमली दे रहा है। हो सकता कि आपको आपका YouTube ऐप अपडेट करने के बाद भी आपको YouTube शॉर्ट का फीचर आपके ऐप में ना दिखे, लेकिन दोस्तों मैंने जो है इसको अपडेट कर लिया फिलहाल। तो चलिए YouTube ऐप को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप YouTube ऐप में YouTube शॉर्ट की मदद से जो है YouTube शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, साथ ही में उसको जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टैग कैसे लगाएंगे और साथ ही में उसका आप मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे YouTube ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों जैसे हम YouTube ऐप को ओपन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि YouTube का होम पेज जो है ओपन हो चुका है हमारे स्मार्टफोन में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने जो है देवजी टेक्निकल के जो है ईमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे अपने YouTube चैनल से लॉगिन नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है आपका फीचर जो है ना मिले या जो है आप YouTube शॉर्ट का इस्तेमाल ना कर पाए। तो आपको अपने YouTube चैनल से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जो भी आपके YouTube चैनल का ईमेल अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे उससे जो है क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जब आप इसको अपडेट कर देंगे YouTube ऐप को, तब आपको यहाँ पे नीचे कुछ जो है इसका इंटरफेस जो है बदला हुआ दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले होम है, एक्सप्लोर है और बीच में यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है जो कि टिकटॉक की तरह ही दिख रहा है, और यहाँ दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन और लाइब्रेरी का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है YouTube शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड ए वीडियो, क्रिएट ए शॉर्ट, गो लाइव, ऐड योर स्टोरी और क्रिएट ए पोस्ट। यहाँ पे मुझे इतने तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पे आप एक फीचर देख सकते हैं क्रिएट ए शॉर्ट, जो कि यहाँ पे बीटा अभी टेस्टिंग इसकी चल रही है, मतलब ये जो है गिने चुने यूजर्स को जो है दिया जा रहा है और ये रेंडमली दिया जा रहा है। हो सकता है कि YouTube ऐप को अपडेट करने के बाद भी ये फीचर आपको ना मिले, तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की बात नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे अगर आपको ये फीचर नहीं मिलता है तो भी आप YouTube ऐप की मदद से जो है YouTube शॉर्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रिएट ए शॉर्ट आप देख सकते हैं कि ये नया फीचर जो है मेरे YouTube ऐप में शामिल किया गया है। तो क्रिएट ए शॉर्ट पर आपको क्लिक करना है कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करेंगे आपके जो है स्मार्टफोन का कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। यदि आप जो है रिकॉर्ड करके वीडियो जो है यहाँ पे शूट करके जो है अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपकी शॉर्ट वीडियो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऊपर की साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप अपने YouTube शॉर्ट की वीडियो में यहाँ पे जो है म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, स्पीड इसका जो है बढ़ा घटा सकते हैं और यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप जो है इसको जो है फ्रंट कैमरे से शूट करना चाहते हैं कोई वीडियो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फ्रंट कैमरे से जो है कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने पहले से कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर रखा है अपने फ़ोन की गैलरी में, उसको यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड बटन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके स्मार्टफोन की जितने भी वीडियो रहेंगे सब ओपन होकर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो है सभी वीडियो यहाँ पे ओपन होकर आ गए हैं। और अगर आप जो है फिर भी क्रिएट ए शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं अपने कैमरे की मदद से, तो आपको ऊपर में जो है कैमरे का आइकन दिख रहा है, आप ऊपर क्लिक करके जो है क्रिएट ए शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं।
फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे जो अपने एक शूज़ का अनबॉक्सिंग वीडियो किया था, तो यहाँ पे जो मैंने उसका शॉर्ट वीडियो यहाँ पे भी मैंने बनाकर रख लिया पहले से ही। मैं इसको जो है यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड करके आपको इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मोनेटाइजेशन इनेबल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस वीडियो को क्लिक किया अपलोड करने के लिए, ये वीडियो जो है मेरा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे नीचे जो है टाइमर भी शो हो रहा है, जैसा कि टिकटॉक में देखने को मिलता था। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैंने अपने जो है पहले से बनाए गए वीडियो को यहाँ पे ला दिया है। अब आपको यहाँ पे कॉर्नर में नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके यूट्यूब शॉर्ट वीडियो का जो है यहाँ पे डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल का नेम शो हो रहा है देवजी टेक्निकल। तो अगर आपने अभी तक देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी शॉर्ट वीडियो जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आप जो है पब्लिक प्राइवेट जो है कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको प्राइवेट ही रहने देता हूँ, बाद में इसको पब्लिक कर दूंगा। और यहाँ से लोकेशन और ऐड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन डाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया और यहाँ से क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे इसको मैं प्राइवेट ही रहने देता हूँ। लोकेशन और ऐड टू प्लेलिस्ट जो है बाद में मैं सेट कर दूंगा। फिलहाल अगर आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन और आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट ऑडियंस, मतलब आप किस टाइप के ऑडियंस को अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी वीडियो दोस्तों बच्चों के लिए बनी है, अगर आप बच्चों के लिए जो है काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए है तो आप यहाँ पे जो है यस इट्स मेड फॉर किड्स को जो है सेट कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो जो है बच्चों के लिए नहीं बनी है, मतलब इसको जो है बड़े लोग भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को जो है सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करके नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को जो है यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, मतलब क्या आप अपनी वीडियो को एडल्ट ऑडियंस से जो है हटाना चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है उस तरह का ऑप्शन सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कॉर्नर में आपको अपलोड का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जिससे आप अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो का जो है थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, साथ में पब्लिक प्राइवेट और जो है टैग और उसके बाद मोनेटाइजेशन को कैसे इनेबल करेंगे। तो दोस्तों मेरी यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब मैं आपको इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, साथ में टैग और साथ ही में इसका थंबनेल और साथ ही में मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल करेंगे, वो सारी चीज़ें चलिए दिखा देता हूँ। तो चलिए यूट्यूब ऐप से बाहर आ जाना है आपको। दोस्तों यूट्यूब ऐप से बाहर आने के बाद अब आपको ओपन करना है वाइट स्टूडियो ऐप। तो चलिए वाइट स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों वाइट स्टूडियो ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको अपने जो है यूट्यूब चैनल के ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, वो यहाँ पे वीडियो दिख रही है। तो वीडियो दिख रही है तो यहाँ पे इसका जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, साथ ही में थंबनेल बदलने के लिए और मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें कि आप अपने यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे साथ ही में पब्लिक प्राइवेट आपको जो भी करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मोनेटाइज विथ एड्स, मतलब दोस्तों आप अपने यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो को यहाँ से जो है मोनेटाइज विथ एड्स के थ्रू जो है मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारे फीचर जो है इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस सेटिंग में आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे कि कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं, लाइसेंस एंड राइट्स ऑनरशिप क्या रखना चाहते हैं, कमेंट्स आप शो या डिसेबल करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, मतलब लाइक और डिसलाइक अगर आप हाइड करना चाहते हैं, साथ ही में अलाउ इम्बेडिंग को जो है आप यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल, तो वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों आपको एक यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट फ्रॉम यूट्यूब, मतलब अपलोड की गई वीडियो को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यदि आप अपनी अपलोड की गई शॉर्ट वीडियो का थंबनेल बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। जिससे आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे थंबनेल चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे थंबनेल आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो है क्रिएट थंबनेल पे क्लिक करके आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पहले से अगर आप कोई थंबनेल बना के रखे हैं
तो वो थंबनेल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये थंबनेल जो है आपके YouTube शॉर्ट के जो है वीडियो के ऊपर सेट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है YouTube शॉर्ट के बारे में समझ गए होंगे। अब जो है आप भी अपने YouTube ऐप की मदद से YouTube पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं जो कि YouTube शॉर्ट के कैटेगरी में जो है अपलोड होंगी। अगर दोस्तों आपको इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई कमेंट करना चाहते हो, तो आपको वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।